नमस्ते सभी को। नमस्ते भैया, सभी को नमस्ते। मेरी आवाज ठीक से पहुंच रही है? हाँ जी भैया, आपकी आवाज ठीक से आ रही है। सभी साथियों का हिंदी सत्र में स्वागत है। भैया हम इस स्लाइड को मतलब जी, तो कल हम लोगों ने कार्य के विज्ञान पे चर्चा पूरी की थी और भागीदारी के विज्ञान पे चर्चा हम लोग शुरू ही कर रहे थे। तो हम लोग देखा था कि ज्ञान आधार में है और ज्ञान का मतलब मानव का ज्ञान, अस्तित्व का ज्ञान और मानवीयता पूर्ण आचरण का ज्ञान, यानी अस्तित्व में मानव की भागीदारी का ज्ञान, ये आधार में है। ये सुनिश्चित होता है तो हमारे अंदर विवेक सुनिश्चित होता है। विवेक का मतलब है कि मानव लक्ष्य की पहचान ठीक ठीक हो पाती है। और इसके हमने दो मॉडल देखे थे कि मानव लक्ष्य की पहचान किस प्रकार होती है। विवेक के आधार पर फिर विज्ञान निश्चित होता है। तो विज्ञान की बात करें तो व्यवहार का विज्ञान, कार्य का विज्ञान और भागीदारी का विज्ञान, तो इस पर भी हमने चर्चा की और थोड़ी समीक्षा भी की कि अभी जो चल रहा है विज्ञान के शब्द के अर्थ में अगर हम जाएं तो अभी जिस तरह से विज्ञान का अर्थ लिया जाता है वो सुविधा और उसके ही रूप गुण की पहचान और उसमें ही शोध और इन सब चीजों से ज्यादा जुड़ा हुआ है, परंतु विज्ञान का अर्थ काफी फैला हुआ है। तो जब तक हम प्रचलित विज्ञान में मैं की समझ को शामिल नहीं करते, चैतन्य की समझ को शामिल नहीं करते, किसी न किसी रूप में वो जड़ और जड़ के ही रूप और गुण तक सीमित रहेगा। उसी के आधार पर कुछ नियमों को समझने का प्रयास होगा, उसी के आधार पर कुछ नई नई सुविधाओं को बनाने का, संरक्षित रखने का प्रयास होगा। परंतु चूंकि अगर निरंतर सुख समृद्धि पूर्वक जीने की स्पष्टता नहीं है, उसके दुरुपयोग की संभावना भी बनी रहेगी। तो इसको लेकर हम लोगों ने कल कुछ समीक्षा भी की थी और आज हम भागीदारी के विज्ञान पर चर्चा करेंगे। तो जब भागीदारी के विज्ञान की बात करते हैं तो समाज के 5 आयाम, उसमें किस प्रकार से हमारी भागीदारी दिखाई देती है ताकि मानव लक्ष्य की पूर्ति हो, तो इसको जब हम शुरू इंश्योर करने जाते हैं तो एक तो यह है कि जो टैलेंट है, प्रतिभा है, उसका विकास हो सारे डायमेंशंस में और हर व्यक्ति में हो, है ना, ये भी हम देख सकते हैं। तो प्रतिभा भी दो भाग में है, एक तो ज्ञान के लिए प्रतिभा और दूसरा स्किल्स को सीखने के लिए प्रतिभा। तो ज्ञान की प्रतिभा तो हर व्यक्ति में है ही, स्किल्स को अगर हम देखें तो जिसका जैसा बैकग्राउंड है, जैसा अभ्यास है, उसके अनुसार उसकी एक प्रतिभा दिखाई देती है। तो कोई इंजीनियरिंग में काम कर सकता है, कोई फार्मिंग के लिए काम कर सकता है, कोई मेडिसिन के लिए काम कर सकता है, कोई प्लम्बिंग के लिए कर सकता है और इस तरह से, है ना, भिन्न भिन्न तरह के उत्पादन कलाओं में प्रतिभा दिखाई देती है। और ये इस प्रकार से हो ताकि हर व्यक्ति भागीदारी करते हुए स्वयं में सुख समृद्धि पूर्वक जी पाए, दूसरों के सुख समृद्धि में सहायक हो पाए, भागीदार हो पाए और जो भी व्यवहार हो म्यूचुअली फुलफिलिंग हो, जो कार्य हो म्यूचुअली फुलफिलिंग हो, और इस प्रकार से हो कि 5 आयाम में व्यवस्था को सुनिश्चित करते हुए जो समाज की व्यवस्था है, परिवार से लेकर विश्व परिवार तक, उसमें भागीदारी सुनिश्चित हो पाए। तो भागीदारी का विज्ञान का मतलब है जैसे अभी हम लोग शिक्षा में काम कर रहे हैं, तो समाज में एक आयाम है शिक्षा संस्कार, उसके लिए एक विज्ञान तैयार हुआ है कि हाँ इस तरह से अगर किया जाए कि हायर टेक्निकल एजुकेशन में हम इस वस्तु को अगर लेकर जाते हैं और उसमें एक मूल्य शिक्षा के रूप में इंट्रोड्यूस करते हैं तो धीरे धीरे लोगों का ध्यान आकर्षण होगा, इससे टीचर्स तैयार होंगे, बच्चे तैयार होंगे, इसके आधार पर एक वातावरण बनेगा, फिर धीरे धीरे पूरी शिक्षा को मूल्यधारित बना सकते हैं, फिर समय के साथ मूल्यधारित जीने को शुरू कर सकते हैं इसमें, और फिर आगे समाज के जो दूसरे आयाम है उस पर भी काम हो सकता है। दूसरे आयाम में जो भी लोग भागीदार होंगे वो अल्टीमेटली शिक्षा से तो गुजर निकलेंगे ही, तो शिक्षा से अगर निकलेंगे तो शिक्षा में अगर ये मौलिक काम हो जाए तो दूसरे आयामों में भी ठीक से काम हो सकता है। तो ये सारा अगर हम देखें जो योजना बन रही है, कार्यक्रम चल रहा है, क्रियान्वयन हो रहा है, मूल्यांकन हो रहा है, ये विज्ञान ही तो है। तो अभी हम लोग शिक्षा में काम कर रहे हैं, समय के साथ हमें दूसरे आयामों में भी इस तरह से काम करना होगा। और अभी हम धरती के एक भाग में काम कर रहे हैं, हमें पूरी धरती पे काम करने की जरूरत है। तो भागीदारी का विज्ञान कितना बृहत है, कितना फैला हुआ है, इसको हम देख सकते हैं। जब हम विचार करते हैं, उसमें योजना बनाते हैं, तो योजना को लोगों की स्थिति, लोगों के संस्कार, लोगों की योग्यता,
इन सबको देखते हुए बार बार उसे नए सिरे से बनाने की जरूरत पड़ती है या नए प्रकाश बनाने की जरूरत पड़ती है और उसमें कुछ नित नया कुछ करने के लिए अवसर बना रहता है। कार्यक्रमों में भी ऐसा कुछ ना कुछ अवसर बना रहता है। अच्छी बात यह है कि एक बार हमारे अंदर ज्ञान की वरीयता हो जाए, हमें मानव लक्ष्य स्पष्ट हो जाए, तो फिर आप व्यक्ति को इस बात के लिए अवसर दे सकते हैं कि आप खुद से एक योजना बनाइए, उसकी जिम्मेदारी लीजिए, उसका क्रियान्वयन करिए, फल परिणाम का मूल्यांकन करिए और ये देखिए कि मानव लक्ष्य पूरा हो रहा है कि नहीं। इसमें काफी क्रिएटिविटी होगी, हर व्यक्ति में अपनी एक प्रतिभा आपको दिखाई देगी इन विचार कयाम में काम करने के लिए, है ना जी। नेक्स्ट भैया, तो जो चार लक्ष्य है उसको देखें तो हर व्यक्ति में समाधान, हर परिवार में समृद्धि, समाज में अभय और प्रकृति में सहस्तित्व, इन चार लक्ष्य को पूरा करने के लिए पांच आयाम दिखाई देते हैं और इसको हमने मैपिंग भी की है। ये हमें स्पष्ट भी होगा कि किस प्रकार शिक्षा संस्कार से ज्ञान और समाधान की आवश्यकता पूरी होती है, किस प्रकार से स्वास्थ्य संयम से उत्पादन कार्य से परिवार में समृद्धि होती है और प्रकृति में सहस्तित्व भी सुनिश्चित होता है, न्याय से इस प्रकार अभय सुनिश्चित होता है, सुरक्षा से किस प्रकार सहस्तित्व सुनिश्चित होता है, विनिमय अगर हम विधिवत करते हैं, कोष हम विधिवत करते हैं, उससे परिवार में समृद्धि भी होती है, समाज में अभय भी होता है, क्योंकि विनिमय में व्यवहार शामिल है आपका, है ना, उसमें न्याय शामिल है, तो हम अगर उसको सही विधि से करते हैं तो उससे समाज में अभय भी होता है, परिवार में समृद्धि भी होती है। अब ये भी अगर आप देखें तो जिस प्रकार से मैपिंग की गई है ना, इसमें विचार शामिल है किससे कौन सी योजना से या किस आयाम से कौन सा लक्ष्य पूरा होगा, ठीक है। अब इसके भी और बारीकी में जाएंगे तो कुछ और आपको नया दिखाई देगा, उत्पादन में क्या किया जाए कि समृद्धि इस प्रकार से सुनिश्चित हो पाए, सहस्तित्व इस प्रकार से सुनिश्चित हो पाए, कार्य करने का तरीका ऐसा कैसा बनाया जाए कि हर परिवार में समृद्धि सुनिश्चित हो पाए, अगर कहीं प्रकृति में कोई भाग छीन हो चुका है, बिगड़ चुका है या कहीं अव्यवस्था हमने पहले से खड़ी कर दी है तो उसको कैसे हम कंपनसेट कर पाए, ये सारा उसमें विज्ञान शामिल होगा जी। नेक्स्ट भैया, तो इस प्रकार से हम योजना बनाते हैं तो फिर हम आगे चलकर परिवार से विश्व परिवार व्यवस्था तक भी योजना बनाते हैं। और देखिए अगर जैसे आज ही के दिन देखें तो अभी दिख रहा है कि किस तरह से बारिश के बढ़ जाने से नदियों में उफान आ रहा है, किस तरह से शहरों के डूबने की स्थिति बनी हुई है, दिल्ली शहर में भी आज के दिन जो स्थिति है ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो दिल्ली का शहर ही डूब जाए, एक बड़ा हिस्सा डूब जाए, तो हमें दिखाई दे रहा है कि प्रकृति के साथ सहस्तित्व पूर्वक जीना नहीं हो पा रहा, नहीं नदी के साथ हमारा सहस्तित्व पूर्वक जीना नहीं हो पा रहा, इसमें हमसे कहां चूक हो गई। तो हम ये परिवार में इस बात को देखते हैं परंतु को दिखता है कि एक योजना बननी है समाज के एक बड़े हिस्से के रूप में, है ना, पूरे शहर के लिए, तो हम परिवार परिवार से परिवार समूह से और बड़ा समूह से और बड़ा समूह इस पर अपनी बात पहुंचाते हैं और साथ बैठकर कुछ योजनाएं बनाते हैं कि हाँ सहस्तित्व का मुद्दा है प्रकृति के साथ, इसमें देखिए ये समस्या आ रही है और ये कई बार आती है, कभी प्रदूषण की समस्या आती है, पराली जल रहा है तो वहां से समस्या आ रही है, कभी नदी में उफान आ रहा है उसकी समस्या आ रही है, हवा में प्रदूषण उसकी समस्या आ रही है, तो हम उसको बैठ कर उसका पूरा योजना कार्यक्रम बनाते हैं कैसे इसको हम रिजॉल्व करें और फिर एक आम सहमति के साथ कुछ ना कुछ हम योजना बनाएंगे उसको, तो उसमें हम अपना विचार का प्रयोग कर रहे हैं। तो अगर समझ आधार में है, मानव लक्ष्य की पहचान आधार में है, तो फिर हम योजनाओं को ठीक से बना भी सकते हैं, क्रियान्वित कर सकते हैं, ठीक। तो ये फिर व्यवस्था इस प्रकार से परिवार से लेकर विश्व परिवार तक कैसे सुनिश्चित हो, हम उसकी योजना बना पाते हैं। तो हमें लक्ष्य की पहचान हो आधार में, उसको विवेक का, उसको पूरा करने के लिए हम किन किन आयामों में काम करना है उसको निश्चित करते हैं, जो कल्पनाशीलता के आयाम में होता है, और फिर कैसे परिवार से लेकर विश्व परिवार तक और बड़े समूह में ये योजनाएं क्रियान्वित हो पाए और मूल्यांकन करें दिखाई दे कि हाँ योजना फलित हुई, ये काम पूरा हुआ, इसमें पूरा विज्ञान है जी।
नेचर में जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि दिखता है कि चार अवस्थाएं हैं और चार अवस्थाओं का निश्चित धारणा है, यानी स्वयं व्यवस्था है, भागीदारी है। यदि हम पदार्थ व्यवस्था की बात करें, है ना, तो पदार्थ व्यवस्था का जो धर्म है वो अस्तित्व है, अस्तित्व बना रहता है, जो स्वभाव है संगठन विघटन के रूप में है और उसमें क्रिया बनी हुई है। तो अगर हम पूरी प्रकृति को देखें तो प्रकृति के भिन्न भिन्न अवस्थाओं को समझने के आधार पर उनके साथ क्या और कैसी योजनाएं बननी है उसको हम तय कर पाते हैं। तो जैसे अगर पदार्थ अवस्था की बात करें तो उसका अस्तित्व बना रहे, जिस पर हमने पहले भी चर्चा की थी, तो धरती है, धरती का कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे, है ना, क्योंकि उसकी जो अनुसंगीयता है वो परिणामानुसंगी है, तो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसके अनुसार पदार्थ का आचरण दिखाई देता है। तो धरती की अगर बात करें तो कम से कम धरती कॉन्स्टिट्यूशन ठीक से बना रहे, जो चीजें शामिल है धरती में, है ना, वो एक निश्चित मात्रा में निश्चित अनुपात में बनी रहे ताकि धरती की व्यवस्था बनी रहे। तो धरती के गर्भ में भी जो चीजें हैं उनकी व्यवस्था बनी रहे, धरती की सतह पर जो चीजें हैं उनकी व्यवस्था बनी रहे। वैसे प्राणावस्था की बात करें तो प्राणावस्था का धर्म पुष्टि है, तो और इसका जो आचरण है वो बीज से तय होता है, बीजानुसंगी। तो हमें देख सकते हैं कैसे बीजों का संरक्षण बना रहे, क्योंकि हर तरह की प्रजाति का अपनी एक भागीदारी है प्रकृति में। इतने तरह के पेड़ पौधे, हर पेड़ पौधे की कोई निश्चित भागीदारी है। आप देखेंगे तो जंगल में भी एक ही पेड़ पूरे धरती पे पूरे भूभाग में आ जाए, जंगल के भाग में आ जाए, ऐसा तो होता नहीं है। वैरायटी होते हैं और वैरायटी का अपना एक रोल है। तो एक पेड़ जो खनिज लवण ले रहा है मिट्टी से, उसका दूसरा पेड़ उसको पूरा करने में सहयोग कर रहा है ताकि चक्रियता बनी रहे। जैसे अगर हम एक ही खेत से एक ही फसल हर बार ले तो हमारा मिट्टी कमजोर हो जाएगा, तो हम बीच बीच में ऐसे दलहन के पौधे उगाते हैं ताकि वापस मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है संरक्षित रहे। तो हर तरह की प्रजाति का अपना एक भागीदारी है, तो इन बीजों का संरक्षण कर पाना ये हमारी भागीदारी है। वैसे अगर हम पशुओं को देखें तो पशु जीना चाहते हैं, पक्षी जीना चाहते हैं, हम उनको जीने की आशा को पूरा करने में सहयोग करें, ये हमारी भागीदारी है। और जो उनका आचरण है वो वंश से तय होता है, उनके वंशों को हम संरक्षित रखें। तो जिस तरह से पेड़ पौधे में हर बीज का अपना एक भागीदारी है, वैसे हर प्रकार के पशु पक्षी की एक निश्चित भागीदारी है इस प्रकृति में। अगर पक्षी कीड़े मकोड़े नष्ट कर दिए जाए उनका क्या दुष्परिणाम आता है यह हमें दिखाई देता है। तो हम उनके प्रजातियों को बना के रखेंगे, बचा कर रखेंगे। उदाहरण के लिए अगर गाय की बात करें, गाय को बना के रखेंगे, गाय की भी भिन्न भिन्न प्रजातियां, एक ही पशु या पक्षी के भी कई प्रजातियां हैं, तो हम देखेंगे कैसे वो संरक्षित रहे। पक्षियों में भी आप देखें तो इतनी वैरायटी है, उनकी हर किसी की एक निश्चित भागीदारी है। वैसे मानव की बात करें तो मानव निरंतर सुखपूर्वक जीना चाहते हैं, ये उसका धर्म है, और जो मानव का आचरण है वो शिक्षा संस्कार से तय होता है। तो शिक्षा संस्कार परंपरा बनी रहे, ये मानव के साथ करने का काम है। तो जब हम पूरी प्रकृति में अपनी भागीदारी को देखते हैं तो इस रूप में दिखाई देता है कि जो उसका धर्म है, स्वभाव है, अनुसंगीयता है, उसको ध्यान में रखकर हमारी भागीदारी, और उसको ध्यान में तभी रख पाएंगे जब उसकी समझ हो। अगर हमने पशु पक्षियों को ठीक से नहीं समझा, पेड़ पौधों को ठीक से नहीं समझा, इनके बीच में कन्फ्यूजन बना रहता है, और एक भी कन्फ्यूजन अगर होता है तो वो नए नए कन्फ्यूजन को जन्म देता रहता है। तो अगर हमको समझ में ना आए कि पेड़ पौधों में चैतन्यता नहीं है, पशु पक्षियों में है, मानव में है, तो पेड़ पौधे के साथ कैसे जीना है और पशु पक्षी के साथ कैसे जीना है, ये तय नहीं हो पाता। तो फिर हमको लगता है अगर हम पशु पक्षी के साथ इस तरह का आचरण कर सकते हैं तो पेड़ पौधे के साथ इस तरह का आचरण कर सकते हैं तो पशु पक्षी के साथ क्यों नहीं, फिर पशु पक्षी के साथ कर सकते तो मानव के साथ क्यों नहीं, इस तरह का हमारे अंदर विचार चलता रहता है। और जो लोग भी प्रकृति के साथ, मानव के साथ अपराध भी कर रहे हैं, अगर आप उनसे भी बात करें तो उनके पास बहुत सारा लॉजिक है, और उनके आप लॉजिक को सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि मूल में ज्ञान का अभाव है, समझा नहीं है।
चैतन्य को नहीं समझा, इसलिए जड़ को नहीं समझा, इसलिए प्रकृति की चार अवस्थाओं को नहीं समझा, इसलिए भागीदारी को नहीं समझा, इसलिए गलतियां भी कर रहे हैं, फल परिणाम भी भोग रहे हैं, बट समाधान नहीं दिख पा रहा। जी बढ़िया भैया, नेक्स्ट लगाइएगा। वैसे ही मानव के स्वभाव को देखा था हम लोगों ने कि धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा इस रूप में दिखाई देता है। तो जब हम अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदारी करने जाते हैं तो हमें स्वयं में स्पष्टता होना जरूरी है, मानव लक्ष्य की पहचान होना जरूरी है, हमें समाधान होना जरूरी है, तब हम धीर हो पाते हैं, तब हम एक निश्चित प्रकार से योजना बना पाते हैं। नहीं तो एक तरह से हम योजना बनाते हैं, फिर हमें मनुष्य पर अविश्वास हो जाता है, फिर हम सारा कुछ ड्रॉप कर देते हैं। हम समाज के लिए कुछ करने निकले, हमें भाई समाज सेवा करनी है, हमें समाज के लिए कुछ अच्छा काम करना है, हमने कुछ काम किया भी बट लोगों के अंदर हमारे प्रति कृतज्ञता का भाव नहीं दिखा, या हमने उस कार्य को करते हुए लोगों से विरोध बना लिया। हम सफाई करने निकले, ठीक है ना, और जिसने कूड़ा फैलाया हमारे सामने उससे हमने झगड़ा कर लिया। अब झगड़ा कर लिया तो सफाई काम तो रुक ही गया, एक नया काम शुरू हो गया, झगड़ा बढ़ गया, है ना। ये सब इस तरह की गलतियां दिखाई देंगी आप। हम प्रकृति को संरक्षित करने निकले और जो भी लोग दोहन कर रहे हैं उनसे वैमनस्य हो गया, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, विरोध बन गया, भय का वातावरण बन गया, यानी हमारे अंदर धीरता नहीं है। हमको नहीं दिख पा रहा कि हर व्यक्ति सही जीना चाहता है, सही समझना चाहता है, क्योंकि हमको ये दिखाई देता है कि हमारे अंदर समाधान होता है। तो हम हर बार हर व्यक्ति में सही समझ, सही भाव को सुनिश्चित करने के क्रम में ही योजना कार्यक्रम बनाते हैं। ये धीरता का प्रमाण है कि जब भी मैं कोई योजना बना रहा हूँ तो मेरे अंदर ये विश्वास बना हुआ है कि मनुष्य सही जीना चाहता है। अगर यही हम हिलडुल जा रहे हैं, डगमगा जा रहे हैं, तो फिर आगे जो भी कार्यक्रम बनाएंगे उसमें गलतियां होंगी, फिर संघर्ष शुरू हो जाएगा। वीरता का मतलब है कि हमें जब ये समाधान सुनिश्चित होता है स्वयं में, इसके आधार पर हम दूसरे व्यक्ति को समझदार, जिम्मेदार बनाने के लिए तत्पर हो पाते हैं। और उदारता का मतलब उसका अपना तन मन धन लगा पाते हैं। ये सहज रूप से हमारे आचरण में दिखाई देता है और इसी को ध्यान में रखकर इसी के आधार पर हम आगे भागीदारी कर रहे होते हैं। जी वैसी दया, कृपा और करुणा, तो दूसरे व्यक्ति में योग्यता को विकसित करने के लिए हम उसका मूल्यांकन करते हैं। तो अगर व्यक्ति के पास पात्रता है, यानी समझना चाहता है नहीं समझ पा रहा, उसके पास वस्तु नहीं पहुंची समझने की, तो उपलब्ध कराते हैं। वस्तु पहुंच गई है परंतु पात्रता नहीं बन पाई है, उसको उसकी आवश्यकता स्पष्ट नहीं हो रही, तो पात्रता विकसित करते हैं। और दोनों ही नहीं है, दोनों उपलब्ध कराते हैं। तो जब हम समाज में भागीदारी करते हैं, व्यवस्था में भागीदारी करते हैं, तो ये हमारी एक स्वाभाविक रूप से भागीदारी दिखाई देती है। तो इस अर्थ में अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि अभी हम कितना धीर, वीर, उदार है, कितना हमारे में करुणा का भाव स्थापित हुआ है, दया और कृपा का भाव स्थापित हुआ है। ये भाव स्थापित हुए हैं या फिर हम इनके अभाव में ही कुछ कर रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है, हमको लगता है समाज में अव्यवस्था बहुत फैल रही है, भ्रष्टाचार फैल रहा है, शोषण फैल रहा है, और हम उसका समाधान नहीं देख पाते, हथियार उठा लेते हैं। अब हमने हथियार उठा लिया, एक तो हम भी इन अपराध में शामिल हो गए, अब फिर वो जो व्यक्ति गलत कर रहा है उसको दिखता है हम भी गलत कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली स्थिति बनेगी संघर्ष की ही बनेगी, समाधान की स्थिति नहीं बनेगी, व्यवस्था की स्थिति नहीं बनेगी। तो ये समाधान है नहीं कि अगर समाज में संघर्ष, समाज में शोषण है, समाज में अत्याचार हो रहा है और हम भी उसके खिलाफ हथियार उठा लें, हम इसको देखेंगे कि इस परिवार से, विश्व परिवार व्यवस्था में हम किस प्रकार अपनी बात ठीक से रख पाते हैं ताकि हर व्यक्ति में समाधान सुनिश्चित हो पाए। तो उस योजना पे काम करना होगा। इसको लेकर हम सबके अंदर बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं, बहुत सारे द्वंद हो सकते हैं। तो इस विज्ञान वाले भाग में पाएंगे कि हम सबको अपने पर्सनल लेवल पे काफी सारा होमवर्क करना होगा कि हम जहाँ हैं वहां से आगे गति कैसे बने, मेरी गति कैसे बने, समाज की गति कैसे बने। नहीं जी भैया, नेक्स्ट स्लाइड लगाइए। तो इसको हम लोग एक ब्रीफली अगर इस पे प्रस्तुति करें,
भिन्न भिन्न आयामों में भागीदारी को लेकर, ताकि हमारा ध्यान चला जाए, ताकि हमें दिखाई दे जहाँ खड़े हैं वहां से आगे बढ़ने के लिए हमारे पास क्या स्कोप है, हम उसको देखना शुरू करें। ज्यादा डिटेलिंग हम लोग करेंगे जब UHE 4 पे इस पे बात करेंगे। जी नेक्स्ट भैया। तो अगर समाज के आयामों में बात करें तो ये कुछ आयाम दिखाई देंगे। तो 5 आयामों पे हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार हम योजना कार्यक्रम बना सकते हैं, उसको एक दूसरे प्रकार से रखा जाए तो इस प्रकार से भी रख सकते हैं। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा के साथ संस्कार जुड़ा हुआ है, स्वास्थ्य के साथ संयम जुड़ा हुआ है, न्याय, तो न्याय व्यवस्था पे काम करना होगा, उत्पादन, उत्पादन का एक भाग सेवा भी है, उत्पादन जब भी हम कर रहे होते हैं तो दूसरे मनुष्य तक ठीक से पहुंचाने के लिए या मनुष्य के शरीर की आवश्यकता पूरा करने के लिए हम सेवा भी करते हैं। वैसे विनिमय कोष, सदुपयोग भी एक आयाम है, सुविधाओं का सदुपयोग सुनिश्चित करना, प्रकृति की सुरक्षा सुनिश्चित करना, और फिर सेवा में देखें तो प्रशासनिक सेवा और सामाजिक सेवा। तो सेवा का भी सही स्वरूप क्या होगा ये हम देख सकते हैं। हमें सोच सकता है कुछ साथी सेवा में हो भी, कुछ प्रशासनिक सेवा में हो, कुछ समाज सेवा कर रहे हो, NGO बनाकर, सोसाइटी बनाकर, ट्रस्ट बनाकर, तो इसको एक दूसरे ढंग से देखें तो ऐसा दिखाई देगा, 3-8 भागों में दिखाई देगा। जी भैया नेक्स्ट। तो एजुकेशन और हेल्थ की बात करें तो शिक्षा से हम परिचित हैं, शिक्षा का मतलब है समझना, शिक्षा का मतलब है ज्ञान, विवेक, विज्ञान हर व्यक्ति में, हर बच्चे में सुनिश्चित करना। तो ये व्यवस्था का, जब भी मानव की व्यवस्था की बात करेंगे, चूंकि मानव शिक्षा संस्कार अनुसंगी है, तो उसका एक मौलिक कार्यक्रम होगा, एक मौलिक आधार होगा। तो शिक्षा से हमें वो योग्यता सुनिश्चित होती है जिससे हम अपने आप में सही को देख पाते हैं, सही को समझ पाते हैं, उसके आधार पर सही भाव सुनिश्चित कर पाते हैं, सही विचार सुनिश्चित कर पाते हैं, उस आधार पर सही व्यवहार कर पाते हैं, उस आधार पर हम सही कार्य कर पाते हैं। तो मानव के साथ हम ठीक से व्यवहार कर पाते हैं, शेष प्रकृति के साथ कार्य कर पाते हैं, और इस प्रकार हम पूरी व्यवस्था में भागीदारी कर पाते हैं। हमें अपना तन मन धन भी कहाँ किस प्रकार किस विधि से लगाना है इसको हम निश्चित कर पाते हैं। स्वास्थ्य के आयाम की बात करें तो स्वास्थ्य का मतलब हुआ कि शरीर के साथ हमारी व्यवस्था बनी रहे। तो जब हम इस डायमेंशन पर काम करते हैं तो हम उसमें मूल रूप से व्यक्ति के अंदर संयम के भाव को सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं। तो मानव मैं और शरीर का अस्तित्व है, तो मैं में जो तृप्ति होती है वो ज्ञान से होती है, जो शिक्षा से उपलब्ध होती है, और शरीर के लिए सुविधा की आवश्यकता है, तो ज्ञान के साथ हमारे अंदर संयम का भाव सुनिश्चित होता है, और इस तरह से हम शरीर की स्वास्थ्य का ध्यान रख पाते हैं। और यही समाज के स्तर पर ले जाए तो एक बृहद योजना की जरूरत होगी कि कैसे हर व्यक्ति में संयम का भाव सुनिश्चित हो। किसी रूप में देखें तो कुछ समय से लोगों ने ध्यान दिया भी है, जिस तरह से योग का प्रचार प्रसार हुआ है, जिस तरह से घर घर में लोग आसन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, टहलना शुरू हुआ है, तो एक अच्छा इसका प्रभाव पड़ा है। अब ये भी दिखाई देता है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनीज हैं वो कहते हैं कि आप एक ऐप इंस्टॉल करिए और आप उसमें रिकॉर्ड करते रहते हैं वो कि कितने आप प्रतिदिन चल रहे हैं, है ना, हार्ट के हेल्थ के लिए आप कितना काम कर रहे हैं, बॉडी की हेल्थ के लिए आप कितना काम कर रहे हैं, फिर आपको कहते हैं कि आप चेकअप करा लीजिए ताकि प्रोएक्टिवली आपको दिखाई दे जाए कि कौन से रोग हो सकते हैं शरीर में। तो किसी रूप में लोगों ने ध्यान देना शुरू किया है, बट वही है कि अगर हमको मानव लक्ष्य पूरा ठीक से स्पष्ट ना हो तो फिर हम शरीर में ही लगे रह जाते हैं। इसलिए कहा शिक्षा मौलिक है, परंतु स्वास्थ्य पे लोगों का ठीक से ध्यान तो जा रहा है, पहले से बेहतर ढंग से जा रहा है। अगर ये शिक्षा और स्वास्थ्य पे ठीक से काम हो तो एक मनुष्य के रूप में देखें तो मैं की आवश्यकता पूरी हो रही है, शरीर की आवश्यकता पूरी हो रही है जी, और वो फिर तृप्तिपूर्वक जी पाते हैं, मानव के साथ भी जी पाते हैं, मतलब उसके आगे और काम करेंगे। परंतु यदि शिक्षा पे ठीक से काम हो तो मानव के साथ भी काम कर पाएंगे ठीक से, शेष प्रकृति के साथ भी ठीक से काम कर पाएंगे, एक तृप्तिपूर्वक जी पाएंगे। जी नेक्स्ट स्लाइड भैया। इसमें से एक एक आयाम पे आपके सोचने के लिए, ध्यान देने के लिए बहुत सारा मुद्दा, आप देखना शुरू करें कि हम जहाँ रह रहे हैं, जैसे स्वास्थ्य की बात करें तो लोगों के अंदर संयम भाव विकसित करने के लिए हम अपने आसपास के लोगों में क्या कर सकते हैं, अपने परिवार में, कुंबे में क्या कर सकते हैं,
कैसे हम अपने आहार को ठीक रख सकते हैं, विहार को ठीक कर सकते हैं, श्रम की प्रवृत्ति को बढ़ा सकते हैं, है ना, और सुबह आसन प्राणायाम भी कर सकते हैं। इनका आहार एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है स्वास्थ्य के क्रम में। आहार के बिगड़ने से बहुत सारी बीमारियां हो रही है, तो आहार के प्रति कैसे सजगता बने हम घर में भी कह सकते हैं इस बात को, हम मोहल्ले में बैठ के भी इसमें बात कर सकते हैं खाने पीने की चीजें किस प्रकार से हो। बट अल्टीमेटली हमें ये ध्यान रखना है कि हमें प्रिस्क्राइब नहीं करना है, प्रिस्क्रिप्शन से कुछ निकलता नहीं है, हमें मूल से तो समझ के बात करनी होगी, समझ के साथ फिर इन सब मुद्दों पे बात कर सकते हैं। तो माइनर डिग्री में एक होलिस्टिक हेल्थ का भी कोर्स रखा गया है, उसमें समझ को आधार में रखकर किस प्रकार से हम अपने आहार विहार श्रम व्यायाम इन सब चीजों को ठीक कर सकते हैं, आसन प्राणायाम को नियमित रूप से कर सकते हैं, इस पर विस्तार से बात हुई है। इस पे ही हर वेंसडे को हम लोग हर फ्राइडे को एक सेशन भी किया करते हैं शाम को। न्याय के आयाम की बात करें, है ना, तो संबंध की बात होनी है और हमें ये देखना बनता है कि हर संबंध में हर क्षण न्याय कैसे हो, तो इसको भी प्रोएक्टिवली देखें। इनफैक्ट इस पूरी योजना में हम देख सकते हैं कि तीन प्रकार की हम योजनाएं बना सकते हैं। एक प्रकार की योजनाएं होंगी जो प्रोएक्टिव होंगी, हम समय रहते योजना बनाते हैं ताकि लक्ष्य पूरा हो। दूसरा एक्टिव योजनाएं होती है कि एक बार लक्ष्य पूर्ति नहीं हुई, सूचना मिली, तब हम जाकर कुछ करना शुरू किए, तो श्वास बिगड़ गया, तब हमने जाकर आसन प्राणायाम करना शुरू किया, तब हमने जाकर आहार ठीक करना शुरू किया, पहले से नहीं किया उसको। अगर पहले से करते तो प्रोएक्टिवली योजना बना रहे हैं, कुछ बिगड़ने के बाद करना शुरू किया तो एक्टिव हुए, और तीसरा तरीका उसका रिएक्टिव हो गए, है ना, तो समस्या आई और उसके बाद आधार पर हमने हायतों को मचाना शुरू किया, दूसरों से व्यवहार खराब कर लिया, भोजन हम कर रहे हैं भोजन बनाने वाले से झगड़ा कर लिया, तुम ही ज्यादा मिर्च मसाला डालते हो खाने में, तुम ही तेल डालते हो, तुम्हारे कारण देखो मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है कि नहीं तो ये रिएक्टिव हो गया। तो हम हर आयाम में देख सकते हैं कि हम कैसे प्रोएक्टिव हो सकते हैं, कैसे एक्टिव हो सकते हैं, और रिएक्टिव तो होने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर कुछ बात बिगड़ गई है तो एक्टिवली उसको हम रिजॉल्व करें, बट प्रोएक्टिवली हम आज से ही देख सकते हैं कि कैसे एक एक आयाम में काम हो सकता है। ये न्याय की बात है, अगर हमको दिखाई दे कि बच्चे के साथ न्याय उसके जन्म के साथ शुरू हो जाता है, बच्चा हमसे न्याय चाहता है, हम अगर उसका न्याय ना करें तो धीरे धीरे उसके अंदर न्याय की प्रवृत्ति नहीं बनती, न्याय के प्रति निष्ठा नहीं बनती और आगे चलकर अन्याय प्रवृत्त हो जाता है। स्पाउस है, उनके साथ भी कैसे न्याय हो, हर संबंध में हर क्षण कैसे न्याय हो, और न्याय में भी ये मूल बात है कि हम दूसरे की इच्छा को पूर्ति करने की बात नहीं कर रहे, दूसरे के अंदर विवेक को जागृत करने की बात कर रहे, ज्ञान को सुनिश्चित करने की बात कर रहे, उसके आधार पर ही संबंध में न्याय ठीक से हो पाता है। तो संबंध की पहचान कैसे ठीक से हो, उसकी उसका निर्वाह कैसे ठीक से हो ताकि उभय सुख हो, और इसी को जब हम पूरे समाज के साथ सुनिश्चित करने जाते हैं तो न्याय व्यवस्था होती है। जैसे परिवार में बहुत जरूरी है योजना का एक भाग हो कि परिवार में साथ बैठकर चर्चा करें, है ना, हर मुद्दे पर चर्चा करें, शेयर करें। कॉलेज में भी डिपार्टमेंट में भी बहुत जरूरी है, हम साथ साथ काम कर रहे हैं बट यदि हम साथ बैठ के चर्चा ना करें, अभी एग्जामिनेशन हो रहा है, कॉपीज का इवैल्यूएशन होना है, ग्रेडिंग होनी है, ये सब चीजें होनी है, अब अगर हम छोटी छोटी बातों को रिजॉल्व ना कर पाए तो पाइल अप होने लगता है, डिपार्टमेंट में किसी न किसी झगड़ा हो जाएगा, परिवार में कुछ ना कुछ उठापटक हो जाएगी, है ना। वैसे ही हम मोहल्ले में बैठे, सोसाइटी में बैठे, जैसे देखें तो अगर जो कॉलोनीज होती हैं उसमें एक RWA होता है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन होता है, वो बैठ के चर्चा करते हैं आपस में, तो साथ साथ बैठ के चर्चा करना न्याय के लिए बहुत जरूरी है। परिवार सभा हो, कॉलेज के लिए सभा हो, डिपार्टमेंट की सभा हो, सभा मतलब जहाँ साथ साथ बैठ कर हम चर्चा कर रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं दूसरों के सामने, और जितना मैनेजमेंट हम कर रहे हैं किसी भी स्तर पर, हमें से कई लोग कॉलेज मैनेज कर रहे होंगे, कोई डिपार्टमेंट मैनेज कर रहे होंगे, कोई स्कूल मैनेज कर रहे होंगे, अगर हम इसको पार्टिसिपेटिव मैनेजर में ले जाए, पार्टिसिपेट करें, हम निर्णय लेते समय सबकी राय लें, है ना, हम एक तरफ से ऑर्डर इशू करते हैं और दूसरा नहीं मानता, फिर हम परेशान होते हैं, फिर हम उसके नया ऑर्डर निकालते हैं, शो कॉज नोटिस इशू करते हैं, इन सब के बजाय हम साथ बैठ के निर्णय लें कि भाई ये आवश्यकता है, पर देखें आवश्यकता है कि नहीं, इसके लिए क्या अच्छा विधि होगा पूरा करने के लिए। एक कॉन्सेप्ट होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, उसको कहते हैं क्वालिटी सर्कल। ये जापान में जो उत्पादन के कार्यक्रम चले तो उसमें कई सारे टेक्निक्स निकाले गए,
तो उसमें ये भी था कि समाज में समृद्धि हो, बट उसमें ज्यादा ध्यान उत्पादन पर दिया गया। और उसमें कई सारे ऐसे कॉन्सेप्ट निकले जो उपयोगी हो सकते हैं। जैसे क्वालिटी सर्कल में होता है कि किसी भी उत्पादन प्रक्रिया में नीचे से लेकर ऊपर तक हर व्यक्ति कहीं ना कहीं भागीदार हो, तो जब कोई निर्णय ले रहे हैं तो सब लोग साथ बैठे। तो क्लास 4 का एम्प्लॉय भी होगा, क्लास 3 का एम्प्लॉय भी होगा, क्लास 2 का एम्प्लॉय भी होगा, मैनेजमेंट के लोग भी होंगे, और कोई भी एक मुद्दा उसमें साथ बैठ के हम चर्चा करेंगे। वैसे कॉलेज में भी है तो हम देखें कि कैसे, अगर कोई कॉलेज के लिए इम्पोर्टेंट इश्यूज है तो उसमें हमारा स्वीपर भी शामिल हो, सिक्योरिटी गार्ड भी शामिल हो, स्टूडेंट भी शामिल हो, टीचर्स भी शामिल हो, मैनेजमेंट के लोग भी हों, और हम सबकी राय को सुने, सबके ओपिनियन को लें, और फिर हम देखें कि इसमें क्या करते बनता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जिससे हमारा एक्सपोजर नहीं होगा, जानकारी नहीं होगी, जो क्लास 4 का एम्प्लॉय भी दे सकता है ना, सिक्योरिटी गार्ड भी दे सकते हैं, बच्चे कोई कई सारे इनपुट दे सकते हैं, और इससे उनके अंदर भी एक पूरी व्यवस्था की दृष्टि बनती है। वो किसी रिसीविंग एंड पे है, ऐसा नहीं कि कोई कॉलेज चला रहा है और जो मिल रहा है सो उनको मिल रहा है, वो रिसीविंग एंड पे है और कोई गिविंग एंड पे, ऐसा नहीं। हम सभी पार्टिसिपेटिंग एंड पे, हम सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, शिक्षा संस्कार व्यवस्था में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, परिवार की व्यवस्था में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सभी स्टेक होल्डर्स हैं जी। तो अगर हम सबको शामिल करें निर्णय को लेने में तो सबके साथ न्याय सुनिश्चित होगा, नहीं तो कहीं ना कहीं संबंध में तृप्ति नहीं होती और वो फिर अतृप्ति बनी रहती है। तो जब ऐसा हम सुनिश्चित करते हैं तो आप पाएंगे अभय का वातावरण बनता है ना, आपसी संबंधों में भी, व्यवस्था में भी जी। नेक्स्ट स्लाइड भैया। वैसे उत्पादन और सेवा का आयाम है, तो उत्पादन से हमें सुविधाओं की आवश्यकता की पूर्ति होती है, जिन सुविधाओं की हमें आवश्यकता है उनका हम उत्पादन कर पाते हैं शेष प्रकृति पे श्रम करके। तो हम जो प्रकृति पे श्रम करके प्राप्त करते हैं वस्तु, उसको उत्पादन कहा। इसके अलावा आप देखेंगे कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिसमें उत्पादन नहीं हो रहा, वस्तु नई बनकर तैयार नहीं हो रही, बट जो वस्तु है उसको बनाए रखने में, संरक्षित रखने में, उसके मेंटेनेंस में उसकी एक निश्चित भागीदारी है। जैसे कपड़े का हमने उत्पादन कर लिया बट कपड़े को धोना तो जरूरी है, तो कोई ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है जो कई लोगों का कपड़ा धोता हो, है ना, जैसे धोबी का जो काम है जी। कई तो ऐसा कोई व्यक्ति है जो सभी कपड़े धो रहा है, ऐसा कोई व्यक्ति जो सभी के बाल काट रहा है, ऐसा कोई व्यक्ति है जो घर की मरम्मत करता है। अभी आप देखिए तो ये मरम्मत का काम इतना नियमित रूप से जरूरत पड़ता है, कहीं ना कहीं चाहे बिजली में खराबी हो गई, कहीं प्लम्बिंग में खराबी हो गई कि नहीं, कहीं दीवार में सीपेज हो गया, कहीं सड़क की मरम्मत की जरूरत पड़ गई, और शरीर पे देखें तो बाल तो बड़े होते ही रहते हैं तो बाल कटवाना ही है कि नहीं। तो ये सब बहुत सारे काम हैं जो सेवा में आते हैं। तो इसमें हम प्रकृति का संरक्षण भी करते हैं, अपने शरीर का संरक्षण भी करते हैं, और मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। तो रिपेयर मेंटेनेंस की अगर बात करें तो इसमें हम किसी वस्तु को नया बनाकर तैयार तो नहीं कर रहे, बट इसके संरक्षण, वस्तुओं का संरक्षण उसकी एक निश्चित भागीदारी है। तो ये भी एक निश्चित आयाम है, इसको भी देखने की जरूरत है जी। वैसे ही अगर शादी ब्याह है तो शादी ब्याह के आयोजन के लिए एक टीम पूरी उपलब्ध होती है ना, हमको बुलाते हैं और शादी ब्याह के आयोजन का सहयोग लेते हैं। तो उसमें देखें तो कोई उत्पादन तो नहीं हो रहा बट बहुत सारी चीजों में भागीदारी हो रही है, सेवा हो रही है, ऐसे घर पे कई अवसर हो सकते हैं जी। विनिमय की बात करें तो विनिमय में भी हम उत्पादन नहीं कर रहे परंतु हम एक दूसरे की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आपस में सुविधाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं। तो हम में से हर व्यक्ति अपने हर सुविधा का उत्पादन तो नहीं कर सकता, तो हम कुछ का उत्पादन करते हैं शेष के लिए विनिमय कर लेते हैं। और विनिमय अगर हम देन देन के भाव से करें, हमारे अंदर ये भाव हो कि मैं जब भी किसी साथ लेन देन कर रहा हूं तो मेरी आवश्यकता भी पूरी हो, अगले व्यक्ति की आवश्यकता भी पूरी हो, अगले व्यक्ति के परिवार में भी समृद्धि हो, मेरे परिवार में भी समृद्धि हो, अगर ये भाव होगा तो शोषण है ना समाप्त हो जाएगा। इसको हम परिवार से देखना शुरू करें,
परिवार में भी कई बार क्या होता है कि बच्चे छोटे हैं तब तो ठीक चल रहा है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनके स्पाउस आ जाते हैं, बच्चे आ जाते हैं, अब जब सम्मिलित आवश्यकता को पूरा करने की बात आती है तो कोई व्यक्ति ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, कोई व्यक्ति कम कंट्रीब्यूट कर रहा है, वहां से फिर धीरे धीरे हमारी कल्पनाशीलता में विरोध तैयार होना शुरू होता है, एक दूसरे के प्रति स्नेह का अभाव कम होने लगता है। तो हमको ये दिखाई दे कि अगर मैं उत्पादन करने में सक्षम हूँ तो मैं उत्पादन करके अपने जो परिवार हुआ, पत्नी बच्चे, उनकी आवश्यकता पूरा करूंगा, और जो कुनबा है क्योंकि उनसे बहुत सारी चीजें मुझे उपलब्ध हो रही हैं तो मैं उनके लिए भी कंट्रीब्यूट करूंगा, उनकी आवश्यकता पूरा करूंगा। तो परिवार में ही हम जब जी रहे हैं तो हर व्यक्ति के अंदर देन देन का भाव कि जितना इस परिवार से मुझे मिल रहा है उससे अधिक मैं इस परिवार को दूं। तो एक तो देन देन है कि हम एक्सचेंज कर रहे हैं जाकर किसी दुकान पे किसी व्यक्ति के साथ, किसी उत्पादनकर्ता के साथ, बट जब हम साथ साथ रह रहे हैं वहां भी देन देन का भाव दिखता है कि अगर हमें परिवार से आवश्यकता पूरी हो पा रही है, हो रही है, और हम उत्पादन करने में सक्षम है तो हम परिवार से जितना ले रहे हैं उससे अधिक उसको देने का प्रयास करें। किसी रूप में अगर हम बाहर जाके आय करते हैं तो आय का हिस्सा देंगे, अगर हम घर में काम करते हैं तो घर में इतना काम करेगा कि दूसरों की आवश्यकता पूरी हो। वैसे कॉलेज में भी हम हैं तो हम देखेंगे कॉलेज से जो हमारी आवश्यकता पूरी हो रही है उससे अधिक हम कॉलेज को देने का प्रयास करेंगे। अगर ये भाव हर एक व्यक्ति में होगा तो आप पाएंगे जो ये जो कॉलेज में ऑर्गेनाइजेशन जो संघर्ष का भाव बना हुआ है ये धीरे धीरे कम होगा। कई बार ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट जो बैठे लोग हैं वो उनको समझ में नहीं आ सकता या शुद्ध रूप से वो शोषण करने के लिए लगे हैं, ऐसा कई बार विचार भी चल सकता है। परंतु आप देखेंगे कि अगर फैकल्टी के स्तर से ये देन देन का भाव शुरू हो, बच्चों में देन देन का भाव शुरू हो, मैनेजमेंट में भी देन देन का भाव शुरू होता है, फिर पर वहां पे उस पूरे सिस्टम में एक व्यवस्था बननी शुरू होती है। तो हम जहां भी विनिमय कर रहे हैं वहां कैसे देन देन के भाव के साथ विनिमय करें ये देखना बनता है। फिर सदुपयोग, जो ऑलरेडी सुविधाएं उपलब्ध है कैसे हम उसका सदुपयोग सुनिश्चित करें कि नहीं, तो घर में जो वस्तुएं हैं उसका हम सदुपयोग कर पा रहे हैं कि नहीं, बाहर समाज में जो वस्तुएं हैं उसका सदुपयोग कर पा रहे हैं कि नहीं। अब नदी है, अगर हम नदी का ठीक सदुपयोग करें तो नदी की ऐसी दशा क्यों बनेगी, तो हमने तो कभी तो नदी को बिल्कुल नाला बना दिया और कभी नदी में इतना पानी बढ़ गया कि हमारे घरों में घुसा जा रहा है। फिर कल भी जो बात हो रही थी कि हम एक भी वस्तु खरीद के ला रहे हैं बाजार से बाहर से, तो क्या हम उस सदुपयोग को सुनिश्चित कर रहे हैं, फर्नीचर को, अपने घर में जितना स्पेस है उसका हम सदुपयोग कर पा रहे हैं क्या, एक घर में हम लोग रह रहे हैं घर में जितना स्पेस है सदुपयोग कर पा रहे हैं क्या। अगर इसको करेंगे तो अब एक नया घर लेने की भी अगर सोचेंगे हमको पहले से लगता है कि इसकी आवश्यकता भी है कि नहीं, फर्नीचर है कोई नया फर्नीचर लेने से पहले भी सोचेंगे इसकी आवश्यकता है कि नहीं, क्या अभी तक इसकी जो बनावट है उसका हम सदुपयोग कर पाए हैं, कपड़ा है जो कपड़ा मेरे पास है उसका मैं सदुपयोग कर पा रहा हूँ कि नहीं, गाड़ी है उसका मैं सदुपयोग कर पा रहा हूँ कि नहीं, है ना। तो अगर देन देन के भाव से चलें और हम गाड़ी का प्रयोग भी तभी करें जब अति आवश्यक हो, नहीं तो हम साइकिल का प्रयोग कर सकते हैं, पैदल चल सकते हैं, है ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हैं, तो आप पाएंगे हो सकता है कई लोगों के बीच में एक गाड़ी होना भी पर्याप्त है, कुनबे में भी एक गाड़ी का होना पर्याप्त है। ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति को अपनी गाड़ी चाहिए, हस्बैंड को अपनी गाड़ी चाहिए, वाइफ को अपनी गाड़ी चाहिए, बच्चे को अपनी गाड़ी चाहिए, दो बच्चे थे दोनों को अपनी अपनी गाड़ी चाहिए, इसकी भी हो सकता आवश्यकता ना हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे, पैदल चलेंगे, साइकिल से चलेंगे, कहीं साथ साथ जाना है तो उसको यूज कर लिया, कहीं समय का अभाव है तो उसको यूज कर लिया। अगर हम सदुपयोग पर ठीक से ध्यान देंगे तो अभी जितना सुविधा का हम उत्पादन कर रहे हैं आपको दिखा दे उससे बहुत थोड़े में काम चल सकता है, है ना। काम चलने का मतलब कि हमारी आवश्यकता पूरी हो सकती है, और यदि हम सुविधाओं को बढ़ाएंगे भी एक उदारता के भाव के साथ तो समझ के साथ आपको दिखाई देगा कि मेरे जो सुविधा की आवश्यकता है हमको धीरे धीरे और कम होती हुई दिखाई देती है, और हमको अपने उत्पादन में या आय में और शेष दिखाई देता है कि शेष है मेरे पास समाज की व्यवस्था में भागीदारी करने के लिए, तो हमारे अंदर उदारता का भाव बढ़ता जाता है। अगर हम संयम के भाव के साथ जी रहे हैं, शरीर के व्यवस्था को समझकर उसको पूरा कर रहे हैं, जो उत्पादित वस्तुओं का सदुपयोग कर रहे हैं और अपने श्रम की क्षमता का भी सदुपयोग कर रहे हैं, है ना, देन देन के भाव से हम परिवार में रह रहे हैं, समाज में काम कर रहे हैं, तो उदारता सहज रूप से हमारे अंदर आएगी, सदुपयोग कर रहे हैं,
तो दाता सहज रूप से हमारे अंदर आएगी। वैसे सुरक्षा की बात है तो जो भी प्रकृति में उपलब्ध है उसका हम कैसे संरक्षण करें, प्राकृतिक संसाधनों का, तो जो भी चीजें उपलब्ध है हम उन्हीं का प्रयोग करके उत्पादन करते हैं, विनिमय करते हैं, तो प्रकृति की सुरक्षा भी कैसे बनी रहे, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। इनफैक्ट जो नदियों की बात हुई वहां सुरक्षा भी जुड़ेगा। तो प्रकृति किसी भाग को उठाएंगे, चाहे पदार्थ अवस्था की बात हो, प्राणावस्था की बात हो, तो उन सबके साथ ही चीजें जुड़ेंगी। सुरक्षा की बात होगी, सदुपयोग की बात होगी, उत्पादन की बात होगी, तो कहीं ना कहीं कनेक्ट होगा। और मानव के साथ न्यायपूर्वक जीना उसका एक अनिवार्य भाग हुआ। जी, इतनी बात को लेकर किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। जी भैया नमस्ते सभी को। नमस्ते भैया, थोड़ी आवाज आ रही ना आज, मैं इसमें था, ट्रैवल में था, कम ज्यादा हो सकता है, थोड़ा प्लीज बता देना। ये भैया हम जो डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये सारे इसके आयाम जो हम देखे, तो शुरू में ये दिख रहा है कि आपका सेल्फ और बॉडी अगर ये दोनों ठीक ठाक है तो फिर आपका सारा जस्टिस जो आप कर रहे हैं आगे के जो भी राइट यूटिलाइजेशन या बाकी जो डिस्कशन किए तो उसी पे आधार पे है भैया। तो भैया मतलब बॉडी को भी ठीक रहना बहुत जरूरी है, सेल्फ को तो अपने को डेवलप करना ही करना है, लेकिन बॉडी अगर ठीक नहीं रही तो आप जस्टिस नहीं कर पाएंगे भैया, थोड़ा इस पे। नहीं नहीं देखिए, सेल्फ में जो भाव होंगे उसके आधार पर आप जस्टिस कर पाएंगे, तो जस्टिस में बॉडी का मेजर रोल नहीं है, मेजर रोल तो सेल्फ का है। अगर जस्टिस की बात, प्रिजर्वेशन की बात करें तो उसमें बॉडी का एक मेजर रोल है, क्योंकि हम शेष प्रकृति पर श्रम करते हैं तब उसका संरक्षण कर पाते हैं। अगर जाके हमको पेड़ ही लगाने हो, शरीर अस्वस्थ हो, तो नहीं लगा पाएंगे। जी, तो न्याय में मैं का रोल प्राइमरी है, सुरक्षा में भाव आधार में है, सुरक्षा का भाव, बट उसमें शरीर से श्रम करना जरूरी होगा। जी जी, मतलब सेल्फ भी सही चाहिए और बॉडी भी सही चाहिए, दोनों क्या मूल रूप से सेल्फ सही चाहिए, सेल्फ सही चाहिए मतलब सेल्फ सही समझ लो फिर अपन वही, ठीक है भैया, राइट राइट, मतलब सेल्फ सही है तो वो बॉडी को अच्छा रखेगा ही ना। हाँ, और क्या है कि नहीं, बराबर, बिल्कुल। ये एक हो गया भैया। दूसरा, अभी अभी भैया ने वो फ्लोट किया, वो मैंने प्रोग्राम अटेंड किया नागपुर में, हम लोग ने शुरू किया, मिनिस्ट्री ने वो रिवार्ड दे रहे, वो एक बहुत अच्छा जो समाज उपयोगी प्रचलन है कि एक जैसा अपना जो फास्ट ट्रैक होता है ना, वैसा एक उन्होंने पट्टी दे दी हमको, वो अपने अपने गाड़ी पे लगाना है और हम जितना वो सिग्नल फॉलो करेंगे फिर उसके रिवार्ड्स पॉइंट हमको मिलते जाएंगे, तो उसमें मैं सहभागी हूँ भैया, यही मैं बताना चाहता। बढ़िया बढ़िया जी भैया, नमस्ते भैया। कुछ और रिफ्लेक्शन आएंगे बट एक बार मैं इस बात को पूरी कर लेता हूँ आपकी तरफ से। जी भैया, नेक्स्ट स्लाइड लगा दीजिए। वैसी सेवा के आयाम को देखें तो इसमें प्रशासनिक सेवा भी है और सामाजिक सेवा भी है। तो समाज के सारे सिस्टम्स ठीक से काम करें उसके लिए जरूरी है कि एक आयाम उस समाज का जो इनके आपस में कोऑर्डिनेशन करे। तो जो परिवार से विश्व परिवार तक जाने की बात है उसमें भी इसका रोल होगा। पांचों आयामों का आपस में समायोजन कैसे हो, समन्वयन कैसे हो, उसमें भी इसका रोल होगा। तो इसको प्रशासनिक सेवा का, अभी भी देखें तो शहर में कोई है ना पद होता है जो शहर की व्यवस्था को देखते हैं, कोई पद होता है जो ये देखते हैं कि जो समाज के भिन्न भिन्न आयाम है, स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है ना, इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन ठीक से हो पा रहा है कि नहीं, लोगों की आवश्यकता ठीक से पूरी हो पा रही कि नहीं, जो योजनाएं बनाई गई हैं उसका क्रियान्वयन ठीक से हो पा रहा है कि नहीं, इस तरह के पोस्ट आज भी हैं उसका हम सदुपयोग करेंगे। समाज सेवा के रूप में देखें तो ऐसा हो सकता है कि एक तरफ से योजनाएं तो बनी है परंतु अभी वो हर व्यक्ति तक पहुंच नहीं पा रही, कुछ कमियां उसमें रह जा रही हैं। तो कैसे हम समाज के हर व्यक्ति तक जो समाज में उपलब्ध अवसर है उसको पहुंचा पाए, तो उसको पूरा करने के लिए समाज सेवा की जरूरत है। तो ऐसा हो सकता है कि शिक्षा संस्कार के लिए स्कूल बन गए, कॉलेज बन गए, है ना, सिलेबस बन गया पूरा, इसके लिए प्रारूप पूरा तैयार हो गया, बट हर बच्चा तक शिक्षा नहीं पहुंच पा रही। तो हो सकता है कुछ लोग सोसाइटी बनाकर, ट्रस्ट बनाकर, एनजीओ बनाकर जो सुविधा विहीन परिवार है उन तक शिक्षा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जो ऐसे लोग हैं जो किसी ऐसे बीमारी से ग्रस्त हैं
कि अपना इलाज स्वयं से नहीं कर पा रहे हैं, उन तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। कभी आप देखें तो डिप्राइव्ड सेक्शंस में पहुंचकर शिक्षा को पहुंचाना, कोई लोग टीबी मरीज हैं और उनको स्वास्थ्य की सुविधा नहीं उपलब्ध हो पा रही, बजाय इसके कि भले बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो, तो सरकार भी ऐसी बहुत सारी योजनाएं चलाती है कि आप टीबी पेशेंट्स को अडॉप्ट कर लीजिए, आप इन ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर शिक्षा काम करिए, इन आदिवासी क्षेत्रों में जाकर शिक्षा स्वास्थ्य का काम करिए कि नहीं, तो ऐसे सामाजिक सेवा भी एक महत्वपूर्ण आयाम है समाज के लिए। तो जो सिस्टम के द्वारा इंश्योर होता है उसको कहा प्रशासनिक सेवा, और जो हम वॉलंटरली अपने एंड पे करते हैं, खुद से करते हैं, समाज में संबंध को स्वीकारते हुए, उसको कहा सामाजिक सेवा। तो ये सेवा भी एक और महत्वपूर्ण आयाम है समाज में व्यवस्था के लिए। जी भैया नेक्स्ट स्लाइड लगाइए। तो इन सारे आयामों को एक साथ देखें तो अल्टीमेटली हम इसमें क्या कर रहे हैं, मानव लक्ष्य की पूर्ति कर रहे हैं। तो जो मानव लक्ष्य की पहचान ठीक से हो पाई उसके लिए हमें शिक्षा, संस्कार, न्याय, उत्पादन, सेवा, विनिमय, सदुपयोग, सुरक्षा और सेवा, इस तरह के आयामों की जरूरत है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य के द्वारा हम अपने मैं और शरीर का ठीक ठीक ध्यान रख पाते हैं। न्याय की व्यवस्था के द्वारा हम संबंध का ठीक ठीक से ध्यान रख पाते हैं। उत्पादन और सेवा के द्वारा हम विनिमय, उत्पादन और सेवा है, विनिमय है, सदुपयोग है, सुरक्षा है, इसके द्वारा जो शेष प्रकृति है, जो सुविधाएं हैं, उसका हम ठीक ठीक ध्यान रख पाते हैं ताकि हर एक की आवश्यकता पूरी हो और प्रकृति भी समृद्ध हो। और ये सारे डायमेंशन को स्मूथली रन करने के लिए, ताकि कोई चूक ना हो जाए, कोई कमी ना रह जाए, कोई व्यक्ति से वंचित ना रह जाए, हमें ये प्रशासनिक सेवा और सामाजिक सेवा, इन दोनों की जरूरत पड़ती है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि सारे आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के लिए पूरक है। जी इसे विस्तार से बात होती है यूएचई 4 पे, आप यूएचई 4 का अगर बुक देखेंगे वो भी अभी आने वाला है, या हम लोग कभी इसलिए सत्र रखेंगे तो इनमें से एक आयाम पे काफी बात होगी और इसमें विज्ञान को लेकर काफी बात हो सकती है ना। ये इतने सारे जो इश्यूज दिखाई दे रहे हैं समाज में, ये कैसे रिजॉल्व हो, तो मूल में ज्ञान है, उसके आधार पर विवेक है, यानी मानव लक्ष्य पहचान है, और फिर एक एक आयाम में हम कैसे कैसे योजनाएं बनाएं ताकि उससे मानव लक्ष्य पूरा हो पाए पीढ़ी दर पीढ़ी, उसके लिए बहुत सारा विज्ञान लगेगा। जी भैया तो अगर अभी की स्थिति का आकलन करें है ना कि अभी क्या चल रहा है, तो अभी हमको ये देखना बनता है कि अभी हम मानव लक्ष्य कितना पूरा कर पा रहे हैं। तो हमने देखा कि जो विज्ञान है ब्रॉडर टर्म्स में देखें तो इस बात के लिए है कि मानव लक्ष्य की पूर्ति कैसे हो, जिसके लिए हम विचार करते हैं, उसके लिए योजना बनाते हैं, उसका हम क्रियान्वयन करते हैं, फल परिणाम का मूल्यांकन करते हैं। इस रूप में विज्ञान में हम व्यवहार, कार्य, भागीदारी, इन तीनों के विज्ञान पे काम करते हैं और ये तीनों साथ साथ चलते हैं, एक को रोक कर दूसरा करना ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कार्य पे काम कर रहे तो व्यवहार को रोक देंगे, व्यवहार पे कार्य कर काम कर रहे तो कार्य को रोक देंगे या भागीदारी को रोक देंगे। बट अभी अगर देखें तो आपको दिखाई देगा कि अभी हम व्यवहार पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे, कुछ शिक्षा में भी ठीक से विधिवत ध्यान नहीं दिया जा रहा, जैसे एक भी कोर्स ऐसा नहीं दिखाई देता जिसमें हम मानव मानव संबंध की बात करें, और भागीदारी के विज्ञान पर भी हम ठीक से काम नहीं कर पा रहे, कार्य के विज्ञान पर हम मोर और लेस काम कर रहे हैं और उसका जो अप्रोच है वो भी लिमिटेड है, क्योंकि हम सुविधाओं के रूप गुण तक सीमित रहकर ही उसको पहचानने समझने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए इसके आधार पर जो योजनाएं बन रही हैं वो मानव लक्ष्य को पूरा नहीं कर पा रही। तो हमें विज्ञान के पूरे जो दृष्टि है उसको और बड़ा करने की जरूरत है, विज्ञान की दृष्टि महज सुविधाओं पर आरोपित हो जाए, सुविधाओं तक सीमित रह जाए तो अन्याय होगा ही, असुरक्षा बढ़ेगी है ना, शोषण होगा ही। तो हमें दिखाई दे कि ज्ञान आधार में, और ज्ञान का मतलब कि मानव का भी ज्ञान होगा जिसमें चैतन्य का ज्ञान होगा, शून्य और शून्य में प्रकृति कैसे संपृक्त है इसका भी ज्ञान होगा। अगर इसको हम हटा दें और सिर्फ जड़ की बात करें तो जड़ के स्वभाव, धर्म, परम धर्म को तो कभी हम समझ ही नहीं सकते, खाली इसके रूप गुण की बात करेंगे, इसलिए मानव को शरीर मान लेंगे, अस्तित्व को जड़ मान लेंगे और जड़ पे ही शोध करके पूरे व्यवस्था को बनाने का प्रयास करेंगे और उसके लिए फिर अल्टीमेटली जो होगा वो दिख रहा है, इतने सारे संघर्ष। अगर वेस्ट को देखें तो अस्तित्व को जड़ मानकर ही जीने का पूरा प्रयास दिखाई देता है, मोर और लेस,
इसलिए आप पाएंगे इतना सारा संघर्ष, युद्ध, शोषण शुरू हुआ है। तो जब हम विज्ञान को ब्रॉड सेंस में देखेंगे तो चैतन्य की समझ पे काम करेंगे, शून्य की समझ पे काम करेंगे, और उसमें हम फैला के देखें तो संबंध व्यवस्था और सहस्तित्व कि कैसे हमारे में सुनिश्चित हो, कैसे पूरे समाज के साथ सुनिश्चित हो, इस संपूर्णता की दृष्टि के साथ काम करेंगे। जो योजनाएं बनाएंगे वो टुकड़ों टुकड़ों में नहीं होंगी। इनफैक्ट दो अप्रोच की जो बात होती है, सोल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच और प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच। तो अभी जो विज्ञान है वो प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच के साथ, समस्या हो गई इसमें विज्ञान लगा रहा है सिद्धांतों को लेकर। सोल्यूशन सेंट्रिक का मतलब कि हमारे को पहले से ध्यान में है हमारा लक्ष्य क्या है, मानवीय व्यवस्था क्या है, और उसके लिए फिर हम विधिवत योजनाएं बना रहे हैं, कार्यक्रम बना रहे हैं, क्रियान्वयन कर रहे हैं कि नहीं, तब वो सोल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच का। जी भैया नेक्स्ट स्लाइड लगाइएगा। तो होमवर्क रूप में देखें तो आज हम लोगों ने विज्ञान पर चर्चा पूरी की है। मैंने इसको बहुत एक एक बिंदु को विस्तार से नहीं रखा क्योंकि फिर वो अपने आप एक पूरा कोर्स है, इसे चर्चा करने जाएंगे एक एक बिंदु को लेकर काफी कुछ शेयर करना समझना बनता है। इनफैक्ट इसमें आप पाएंगे कि जांचने का मुद्दा कम होगा, इसको विचार में ठीक से फैलाने का मुद्दा ही होगा। तो मैंने देखा कि विज्ञान को हम व्यवहार का विज्ञान, कार्य का विज्ञान, भागीदारी के विज्ञान के रूप में देख सकते हैं। तो अभी हम देखना शुरू करें कि अभी आज के दिन जिसे हम विज्ञान कह रहे हैं, क्या हम तीनों पे काम कर रहे हैं या सिर्फ कार्य के विज्ञान पे काम कर रहे हैं और उसमें भी रूप और गुण को लेकर लिमिटेड एस्पेक्ट्स में, है ना जी। फिर और देखें हम कि भागीदारी के विज्ञान में भी हमें अपना रोल क्या दिखाई देता है, परिवार व्यवस्था में, राष्ट्र की व्यवस्था में, है ना, विश्व परिवार की व्यवस्था में क्या रोल दिखाई देता है। और ये भी देखें कि क्या हमें आज की शिक्षा है इस तरह के रोल्स के लिए तैयार करती है। जैसे हम आज की शिक्षा में ऐसा कोई कोर्स नहीं दिखाया था कि आप अगर गांव में रह रहे हैं और गांव में साथ साथ ठीक से रहना नहीं हो पा रहा, झगड़े हो रहे हैं, लड़ाई हो रहे हैं, अत्याचार हो रहा है, तो उसको कैसे ओवरकम करें। शिक्षा ऐसी हुई कैसे आप गाँव से निकल कहीं और बस जाए, किसी एमएनसी में प्लेस हो जाए ताकि आपका कम से कम सुविधा वाला भाग इस सीमा से अधिक पूरा हो जाए। अभी शिक्षा वैसी हो गई है, आप अगर गांव में रह रहे हैं तो गांव की व्यवस्था कैसे बढ़िया बने इस पर कोई शिक्षा नहीं है, है क्या? उसको हम देखें उठाकर कि जहां हम रह रहे हैं वहां कैसे व्यवस्था अच्छी बने, शहर में है शहर की व्यवस्था कैसे अच्छी बने, इस पर हमारा ध्यान नहीं है। हमारा ध्यान ज्यादातर समय देखें तो सुविधाओं पर ही है। तो जो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम है उसका एक ठीक से अप्रेजल करना बनता है, और ये भी देखना बनता है कि कैसे कहां हम इंटरवीन कर सकते हैं। जी कुछ हैंड्स रेज थे, ले लेते हैं प्रश्नों को। जी भैया नमस्ते, बहुत ही सार्थक चर्चा। मैं सिर्फ इतना भर कहना चाहूंगा कि ये जो आपने बात कही तो ये जो पूरा सभ्यता परिवर्तन हुई कि गांव से आदमी शहर की ओर भाग गया और नेचर को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। मतलब जब तक हम प्रकृति के विज्ञान को समझते थे तब तक हम उन्हीं जंगलों में रहे हैं और हमारा ज्यादातर जो लिविंग है वो वन आधारित ही था, लेकिन जैसे जैसे हमने ये जो शिफ्टिंग हुई कि हम जो भागीदारी का विज्ञान है वो हम समझ नहीं पाए तो एक सभ्यता में बहुत बड़ा मेजर चेंज आ गया है जिससे हम मानव मानव से दूर हुए और प्रकृति के कहीं ना कहीं हम शोषणकारी बन गए। तो ये जो तीनों विज्ञान को एक नए स्वरूप में रखा जा रहा है वो एक अपने आप में बहुत गहरी बात है कि हम व्यवहार का विज्ञान समझ पाए, और मेन मुद्दा व्यवहार का ही है। हम मानव मानव संबंध को जैसे ही देख पाएंगे वैसे ही फिर बहुत सा शिफ्टिंग होगा। फिर हम क्यों युद्ध सामग्री बनाना चाहेंगे, क्यों हम मानव के शोषण के लिए बहुत सारे तरीके खोजेंगे, क्योंकि मुझे तो दिख गया कि मानव मेरा संबंधी है। तो एक तो सबसे बड़ा शिफ्टिंग ये होगा कि हम मनुष्य को अपने जैसा जैसे ही देख पाए तो एक सभ्यता में एक मेजर चेंज आएगा। अखंड समाज की जो बात हो रही है उधर सभी का ध्यान जाने लगेगा, और सभ्यता तो तभी बदलेगी जब सभी का ध्यान जाएगा, अकेले से नहीं बदलेगी।
दूसरा ये है कि जैसे ही हम प्रकृति को समझ पाएंगे तो प्रकृति की चक्रीयता को, परस्पर पूरकता को, अभी आपने बहुत सार्थक बात की है कि अभी हम सिर्फ रूप और गुण को देख पाए हैं, उसकी पूरी चक्रीयता के सिद्धांत को हम नहीं समझ पाए हैं। जैसे ही वो समझ में आता है तो सृष्टि में लोगों को रोजगार देने, खिलाने पिलाने की सारी क्षमताएं आज भी मौजूद हैं। अभी हमारे यहाँ जो नए नए तरीके की खेती प्रारंभ हुई है कि कुछ ही उत्पादन कर लो, सोयाबीन बोलो, ये बोलो, वो बोलो, पहले तो हम वन आधारित ही थे पुरानी सभ्यता को देखते, तो आज भी जैसे जैसे हमारा सृष्टि की ओर ध्यान जाएगा तो उसमें हमें पर्याप्त समृद्धि की संभावनाएं दिख जाएंगी। और एक मेजर शिफ्ट जो मानव ने मानव से पैसा खींचने का या समृद्धि सब वहीं जो दिख रही है, वो फिर से प्रकृति की ओर शिफ्ट होगी और सभ्यता धीरे धीरे फिर गांव, वनांचल और इधर की तरफ शिफ्ट होगी। तो जो भीड़ शहरों में इकट्ठी हो रही है और जो जिस प्रकार से शहर अब आपस में सुविधाओं के लिए भी संघर्ष करने लगे हैं, वो घटेगा। तीसरा ये है कि अभी जैसे प्रकृति के हम ऋतु चक्र को जैसे ही समझेंगे तो जो ये घटनाएं हो रही हैं अभी, जैसे उत्तराखंड की घटना, ये यहाँ की हिमाचल की घटना हुई है, हम नदियों को के स्वरूप को नहीं समझ पा रहे हैं, हम पानी बरसने के सिस्टम को नहीं समझ पा रहे हैं, हम बीज से लेके सारी परंपराओं को नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए हम उसमें भी ऋतु चक्र को डिस्टर्ब करने में लग गए हैं। जैसे जैसे ये बात बच्चों तक जाएगी तो ये भी एक बहुत गहरा रूप लाएगी। तो मैं इतनी ही बात शेयर करूंगा भैया, बहुत अच्छा लगा और बहुत ही ये निश्चित है कि सभी की समझ का हिस्सा बन रहा है। जी भैया नमस्ते। बढ़िया भैया, अभी तो एक समय हो गया, आज हमको चर्चा यहाँ रोकनी होगी, समय हो चला है। जी भैया तो रोक लेते हैं यहाँ पे, सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते।